हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मेरा नाम है संजय कुमार और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एंटीक कंप्यूटर स्टोर के एक नए एपिसोड में। तो आज एक फिर से नया पीसी बिल्ड का वीडियो लेके हाजिर हूँ मैं आपके लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बिल्ड करने वाले हैं बहुत ही बढ़िया शानदार एक बजट गेमिंग पीसी जो कि है एमडी राइजन की तरफ से। आज जो हम पीसी बिल्ड करने वाले हैं वो फुल एक कम्प्लीट पीसी रहेगा। यहाँ पे सीपीयू और एलईडी भी इंक्लूड रहेगी इस बिल्ड के अंदर। तो मेरे कस्टमर जो भोपाल में रहते हैं उन्होंने मेरे कुछ वीडियोज देखे थे और मुझसे कॉन्टेक्ट किया था कि उनको भी एक पीसी बिल्ड करना है गेमिंग के लिए और एडिटिंग के लिए। तो यहाँ पे जो पीसी उन्होंने बिल्ड करवाया है वो हल्की फुल्की गेमिंग के लिए और नॉर्मली एडिटिंग के लिए बिल्ड करवाया है। फोटो एडिटिंग वो करते हैं शोकिया तौर पर। तो आज जो हम पीसी बिल्ड करने वाले हैं उसकी कोस्ट है 30,000 रुपये, 30,000 का बहुत ही शानदार। यहाँ पे हम एक फुल पीसी बिल्ड करेंगे जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं गेमिंग के लिए, एडिटिंग के लिए, या फिर अगर आप यूट्यूब के वीडियोज़ बनाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं या शेयर मार्केट का काम करते हैं तो उस काम के लिए आप इस पीसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट का काम करते हैं, एंड्रॉइड डेवलपमेंट का काम करते हैं या प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट का काम करते हैं तो आप इस पीसी का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि बहुत बढ़िया रहेगा। साथ ही लो बजट गेमर्स के लिए एकदम शानदार रहेगा। ये पीसी आराम से आप इसमें GTA 5, PUBG बहुत ही बढ़िया तरीके से खेल सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि हमने कौन कौन से कंपोनेंट्स बिल्ड में इस्तेमाल किए हैं, उनके टेक्निकल डिटेल्स क्या है, फीचर क्या है, कॉस्ट क्या है। इसके बाद में हम इस पीसी को असेंबल करेंगे और असेंबल करने के बाद इस पर कुछ गेम प्ले करके इसके बेंचमार्क को चेक करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो है प्रोसेसर CPU। तो जो CPU हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है AMD की तरफ से आने वाला R3 3200G, AMD का राजन 3 3200G CPU हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है जो कि 4 कोर 4 थ्रेड्स में आता है और जो उसकी बेसिक फ्रिक्वेंसी वो 3.60 GHz रहती है, अपटू फ्रिक्वेंसी 4.0 GHz रहती है एंड 6 MB कैशे मेमोरी के साथ में, 6 MB कैशे मेमोरी के साथ में ये आता है। तो दोस्तों बहुत शानदार एक बजट गेमिंग प्रोसेसर रहता है AMD की तरफ से। इसमें 2 GB के समथिंग, 2 GB के समथिंग में वेगा 8 ग्राफिक्स रहता है जो कि बहुत शानदार रहता है गेमिंग के लिए, एडिटिंग के लिए, बजट गेमर्स के लिए एकदम शानदार ऑप्शन रहता है। अगर आप कोई ग्राफिक्स कार्ड नहीं लगाना चाहते हैं तो आप ये वाला CPU इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि वो शानदार परफॉर्म करेगा गेमिंग में और एडिटिंग में। तो यहाँ पे जो CPU हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 8,000 रुपये, 8,000 में अभी आपको ये मिल जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है एक मदरबोर्ड। तो जो मदरबोर्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया वो है गीगाबाइट की तरफ से आने वाला A320MH जो कि एक एंटी लेवल का A320 चिपसेट का मदरबोर्ड रहता है। 4 कोर के जो CPU आते हैं उनके लिए परफेक्ट रहता है, जैसे कि 2200G है, 3200G है, या फिर 3100 है, या फिर 2400G है, या फिर 3400G जैसे CPU के लिए ये वाले मदरबोर्ड एकदम परफेक्ट रहते हैं। तो यहाँ पे जो बोर्ड हमने इस्तेमाल किया, अगर आप उस मदरबोर्ड के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमारा रिव्यू वीडियो देख सकते हैं, हमने बोर्ड पे वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो यहाँ पे जो बोर्ड हमने इस्तेमाल किया उसकी कोई 4,500 रुपये, 4,500 में अभी आपको ये मिल जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो है रैम। तो रैम जो हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया वो है एडेटा की तरफ से आने वाली 3000 MHz की सिंगल स्टिक की 8 GB रैम हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की जो कि सफिशियंट रहेगी इस बिल्ड के लिए। बजट गेमिंग कंप्यूटर्स के लिए 8 GB रैम काफ़ी रहती है। अगर आगे आपका बजट बने तो आप इसमें 8 GB रैम और भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो रैम हमने इस्तेमाल की उसकी कॉस्ट है 3250, 3250 में अभी आपको ये मिल जाती है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है SSD। तो जो SSD हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया वो है किंगस्टन की तरफ से आने वाली 120 GB की, 120 GB की M.2 SSD हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की जो कि बहुत बढ़िया रहेगी, सफिशियंट रहेगी इस बिल्ड के लिए। SSD लगाने से हमारा सिस्टम बूस्टअप हो जाता है, काफ़ी अच्छी स्पीड मिलती है हमें गेमिंग में, एडिटिंग में या फिर नॉर्मल काम में। तो यहाँ पे जो SSD हमने इस्तेमाल की उसकी कॉस्ट है 2,000 रुपये, 2,000 में अभी आपको ये मिल जाएगी। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट बिल्ड का वो एक हार्ड डिस्क। तो जो हार्ड डिस्क हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया वो है WD की तरफ से आने वाली 500 GB की, 500 GB की हार्ड डिस्क हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किए जो कि सफिशियंट रहेगी, काफ़ी रहेगी इस बिल्ड के लिए। तो यहाँ पे जो हार्ड डिस्क हमने इस्तेमाल की उसको 1,850 रुपये, 1,850 में अभी आपको ये मिल जाती है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है एक पावर सप्लाई SMPS। तो जो पावर सप्लाई हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया वो थर्मल टेक की तरफ से आने वाली 450 वाट की, 450 वाट की एक बजट गेमिंग SMPS हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया जो कि इस बिल्ड के लिए सफिशियंट रहेगी, इस तरह के बिल्ड के लिए काफ़ी रहती है। तो यहाँ पर जो पावर सप्लाई हमने इस्तेमाल की उसकी कॉस्ट 2750, 2,750 में अभी आपको ये मिल जाती है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है कैबिनेट गेमिंग केस। तो यहाँ पे जो केस हमने इस्तेमाल किया वो थर्मल टेक की तरफ से आने वाला V100 हमने गेमिंग केस इस्तेमाल किया जो कि बहुत शानदार एक बजट गेमिंग केस रहता है। तो यहाँ पे कस्टमर को ज़्यादा कोई RG वाला केस नहीं चाहिए था, सिंपल सा केस चाहिए था, तो हमने ये वाला केस इस्तेमाल कर दिया है जो कि आगे से एकदम बिल्कुल सिंपल रहता है। आगे इसमें किसी तरह की कोई स्ट्रिप नहीं रहती है, ना ही कोई फैन रहता है, साइड से ट्रांसपेरेंट रहता है, पीछे इसमें एक फैन रहता है। तो बहुत शानदार यहाँ पे हमने एक बजट गेमिंग केस इस्तेमाल किया है थर्मल टेक की तरफ से। आप चाहें तो यहाँ पे दूसरे केस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो जो केस हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 3,000 रुपये, 3,000 में अभी आपको ये मिल जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है एक LED मॉनिटर। तो जो LED हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है वो LG की तरफ से आने वाला 19 इंच का, 19 इंच का ये LED हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया जो कि बहुत बढ़िया रहता है बजट गेमर्स के लिए।
ये जो एलईडी हमने स्पीड में इस्तेमाल किया, इसमें एचडीएमआई भी आता है और वीजे भी आता है, तो आप इसमें अपना वीजे वाला मदरबोर्ड भी कनेक्ट कर सकते हैं और एचडीएमआई वाला बोर्ड भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एलईडी हमने इस्तेमाल की उसकी कॉस्ट है 5,500 रुपये, 5,500 में भी आपको ये मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे कस्टमर ने कीबोर्ड माउस नहीं लिया है, कस्टमर के पास में ऑलरेडी एक कीबोर्ड माउस था। तो दोस्तों हमने देख लिया कि हमने कौन कौन से कंपोनेंट्स बिल्ड में इस्तेमाल किए हैं, उनके टेक्निकल डिटेल्स क्या है, फीचर क्या है, कॉस्ट क्या है। तो आइए अब हम इस पीसी को असेंबल करते हैं और देखते हैं कि असेंबल करने के बाद ये कैसा दिख रहा है, इसका लुक कैसा है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। इसके बाद में हम इस पर कुछ गेम प्ले करके इसके बेंच मार्क को चेक करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं।
Main power offline. All entrances not operational. Is not operational. Main power offline. All entrances not operational. Especially now, in what will be your final moments in this world. All the rumors, the human sacrifices, the hell portal, the demons, it's all true. My sisters and brothers, be thankful. You will be the first. You will have a seat alongside them, just as I will, in what will become the new world that they create for us. Starting now. I believe in you, especially now. It wants to be your final moments in this world. All the rumors, the human sacrifices. जैसे कि हमने देख लिया, यहाँ पे हमने पीसी को असेंबल कर लिया, पीसी को बना लिया, बहुत बढ़िया लग रहा है, एकदम सिंपल से यहाँ पे हमने केस इस्तेमाल किया, तो बहुत शानदार सिंपल से पीसी हमने बनाया है, कोई ज्यादा हमने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, कम बजट में बहुत शानदार पीसी हमने बनाया है। वही अगर हम कंपोनेंट की बात करते हैं तो हमने सारे के सारे बजट कंपोनेंट इस्तेमाल किए, जो कि बहुत बढ़िया है, एक दूसरे के सामने पूरी तरह से कंपेटेबल है, कोई भी इशू इसमें नहीं रहेगा। वही अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो एकदम मक्खन की तरह काम कर रहा है, हमने इस पर कुछ गेम प्ले करके देख लिया, जो कि बहुत बढ़िया हमें एफपीएस इस पर मिल रहे हैं। आप चाहें तो इस पीसी का इस्तेमाल दूसरे कामों के लिए भी कर सकते हैं, एडिटिंग के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए, या फिर अगर आप यूट्यूब के वीडियोस बनाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, तो आप इस पीसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत बढ़िया रहेगा इन सब कामों के लिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि जो कंपोनेंट हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किए हैं उनकी टोटल कॉस्ट क्या है, वो पूरे पीसी की कॉस्ट कितनी है। तो जो प्रोसेसर, जो सीपीयू हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 8,000 रुपये, 8,000 में सीपीयू आपको मिल जाएगा। जो मदरबोर्ड हमने लिया उसकी कॉस्ट है 4,500 रुपये, 4,500 में बोर्ड आपको मिल जाता है। जो रैम हमने लिया उसकी कॉस्ट है 3,250, 3,250 में रैम आपको मिल जाएगी।
जो एस एस डी हमने ली उसकी कॉस्ट है 2000 रुपये, 2000 में एस एस डी आपको मिल जाएगी। जो हार्ड डिस्क हमने ली उसकी कॉस्ट है 1850 रुपये, 1850 में हार्ड डिस्क आपको मिल जाएगी। और जो एस एम पी एस हमने लिया उसकी कॉस्ट है 2750, 2750 में पावर सप्लाई आपको मिल जाएगी। जो गेमिंग केस हमने लिया उसकी कॉस्ट है 3000 रुपये, 3000 में केस आपको मिल जाएगा। और जो एलईडी हमने लिया उसकी कॉस्ट है 5500 रुपये, 5500 में एलईडी आपको मिल जाएगी। तो पूरा जो पीसी बन के कम्प्लीट हुआ है वो 30000 रुपये में, 30000 में। यहाँ पे हमने बहुत ही बढ़िया एक बजट गेमिंग पीसी बनाया है जो कि बहुत शानदार है, वैल्यू फॉर मनी वाला पीसी हमने बनाया है इस बजट के अंदर। तो आज जो हमने पीसी बनाया ये बहुत शानदार एक बजट गेमिंग पीसी है, स्पेशली अगर आप GTA 5 खेलना चाहते हैं या पबजी खेलना चाहते हैं, आपका बजट बहुत कम है, लो बजट में आप कोई पीसी बनाना चाहते हैं, तो आप सेम टू सेम पीसी बिल्ड कर सकते हैं जो कि बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगा पबजी में और GTA 5 में। तो दोस्तों अगर आप भी कोई पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, कोई गेमिंग पीसी, कोई वीडियो एडिटिंग पीसी या किसी भी तरह का आप कोई कंप्यूटर परचेस करना चाहते हैं, या फिर अगर आप ये वाला पीसी परचेस करना चाहते हैं, तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट www.ondorcomputer.com पर आप विजिट कर सकते हैं, या फिर अगर आप भोपाल में रहते हैं तो हमारे स्टोर पर विजिट कर सकते हैं जो कि लोकेटेड है लाल घाटी स्क्वायर भोपाल पर। और अगर आप भोपाल में रहते हैं, भोपाल से बाहर रहते हैं, तो हमसे कॉन्टैक्ट करके या फिर हमारी वेबसाइट पर जाकर किसी भी तरह के पीसी का ऑर्डर हमें दे सकते हैं जो हम आपके घर पर भेज देंगे 7 दिनों के भीतर। तो दोस्तों अगर आप हमसे पीसी बिल्ड करवाते हैं, पीसी परचेस करते हैं, तो हम आपको गेम्स फ्री देते हैं, गेम्स का कोई चार्ज नहीं रहता है, साथ ही जो हमारी असेंबलिंग सर्विस रहती है वो भी फ्री रहती है। और अगर आप भोपाल में रहते हैं, भोपाल में रहकर आपने पीसी हमसे परचेस किया, तो आपके घर पर फ्री होम डिलीवरी भी हम करके देते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ऐसी तरह के वीडियोस और भी देखना चाहते हैं पीसी बिल्ड के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।